अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। तो पहले की तरह चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। तो टिप नंबर वन मेरी जो है वो इस तरह की सब्ज़ मिर्चों के हवाले से है। भाई, जब भी हम सब्ज़ मिर्चें काटते हैं ना, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। भी हम अपने किसी भी बॉडी के ऑर्गन को उसको टच करते हैं तो वहाँ पर बहुत जलन सी महसूस होती है, और हमारे हाथ भी जो है ना, वो यहाँ से जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए एक मैं छोटी सी टिप आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप कि आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी। तो आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा आलू का पीस ले लेना है। आलू का पीस लेके तो उसको आपने जो है वो जहाँ पे भी आपके जलन महसूस हो रही है, आपने उसको वहाँ पे उसको सेंटर से कट करके तो इस तरह से करके जो है मलना स्टार्ट कर देना है। थोड़ी ही देर में आपकी सारी की सारी जलन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आप अपने आप को ईजी फील करेंगे। इसी के हवाले से मेरी नेक्स्ट टिप भी है। जब भी आपको जलन महसूस हो तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूध ले लें, थोड़ा सा ऐसे अपनी फिंगर के साथ डिप करके तो अपने हाथों पे जहाँ पे भी आपको जलन महसूस हो रही है ना, उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से उसको ना रब करना स्टार्ट कर दें। थोड़ी ही देर में आपकी सारी की सारी जलन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरी टिप भी मेरी जो है वो इन सब्ज़ मिर्चों के हवाले से ही है कि जिससे आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको किसी किस्म की जलन भी जो है वो बिल्कुल महसूस नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के शॉपर जो जब हम सौदा वगैरह लेके आते हैं तो हमारे पास इतने जार अवेलेबल नहीं होते, तो अक्सर एक दो चीज़ जो है वो शॉपर में रह जाती है। तो इस तरह तो ये नमी इसको नमी मिल जाती है, तो ये नमी की वजह से ये ख़राब हो जाती है। तो इन सारे झंझट से बचने के लिए एक बहुत आसान सी टिप लेके आई हूँ। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल तो अक्सर हर घर में ही मौजूद होती है, तो हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज मेरी टिप देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इसको आपने इस शेप में कट कर लेना है। इस शेप में कट करने के बाद इसका ढक्कन जो है वो उसको ओपन करें, और ये इसका जो सारा शॉपर है ना, इसके अंदर जो है वो आपने इधर से बाहर निकाल लें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह की कैल्सी बॉक्स के हवाले से है। इस तरह के अक्सर कॉटन हमारे घर में आते हैं जिनको हम बेकार करके फेंक देते हैं। आज इस बेकार सी चीज़ से मैं एक बहुत यूज़फुल चीज़ बनाऊंगी अपने किचन के लिए। आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो ये देखिए, ये इसका ये जो कार्डबोर्ड था ये ज़रा हल्के वाला था, आपको पता है ये हल्के से मटेरियल से बना होता है। तो मैंने इसको इसके साइज़ का जो है वो कार्डबोर्ड कट करके इसके अंदर मैंने जो है वो एडजस्ट कर दिया है। अभी इसका ये वाला जो पार्ट था इसको मैंने कट करके अंदर को फोल्ड कर लिया है। अभी इसी तरह से मैं इसके बाकी पार्ट्स की भी कटिंग करूँगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी जो इन मैच बॉक्स के हवाले से ही है कि एक जो है मेरे पास खाली है और एक मेरे पास फिल है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो खाली वाली है इसको मैं इसके ऊपर ग्लू गन की मदद से, आप अगर अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको टेप की मदद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक बड़ी बॉटल से मिनी जार बनाया था, तो उसका ये जो पार्ट था ये मेरे पास बच गया था। तो मैंने सोचा कि इसको भी हम जो है वो किसी ना किसी टिप के लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको ना मैं ये ज़रा ज़्यादा खुला था, तो मैंने इसको ग्लू गन की मदद से यहाँ से जो है वो बाइंड करके इसका जो साइज़ था थोड़ा छोटा कर लिया है। तो अब मैं इसको आपको एडजस्ट करके दिखाती हूँ। तो इसको हम जो है वो एज अ मोबाइल होल्डर, मोबाइल का चार्जर जो होता है ना, चार्जर होल्डर के तौर पे यूज़ करेंगे। आपको पता है कि चार्ज करके वो चार्जर यूं ही इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, तो जैसे बच्चे पकड़ते हैं खींचते हैं तो हमारा चार्जर ख़राब हो जाता है और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर बाद में उस तरह उसके जैसा जो है वो नेक्स्ट टाइम मिलता भी नहीं है। तो मैं आपको इसको एडजस्ट करके टिप मेरी जो है वो इस तरह की फ्रिज के स्विच के हवाले से है। आपको पता है कि अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई तो हम फ्रिज को इतना ज़्यादा जो है वो ऑन नहीं रखते। मैक्सिमम 1 से 2 आवर के लिए हम इसको ऑन करते हैं, तो बाद में ये तकरीबन बंद ही पड़ी रहती है।
तो चलते हैं बिना टाइम जाया के उस टिप की तरफ। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे पास बोतल का कैप है, इसको मैंने गरम छुरी की मदद से यहाँ से इधर से भी और इस साइड से भी जो है इसको मैंने कट कर लिया है। तो अब मैं इसको ग्लू गन की मदद से जो है अब इसको मैं एडजस्ट कर दूंगी और ये एज अ तार होल्डर हम जो है इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह की मेटल की बैंगल के हवाले से है, जिनका कलर ख़राब हो जाए फेंट हो जाए तो हम इनको बेकार करके फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, इससे हम एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है और हमारे रुपये पैसे सभी की बचत होने वाली है, टाइम की भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बचत होगी। तो चलते हैं जी बिना टाइम ज़ाया किए इस ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो इस तरह के पेन्स वगैरह तो हमारे घरों में अक्सर पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं तो उनके कलर्स वगैरह पेन्स वगैरह जो हैं वो इधर उधर यूं ही बिखरे पड़े रहते हैं, तो जब भी हमें उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें हर चीज़ इधर उधर करके तो उसको ढूंढना पड़ता है। तो इन सारी परेशानी कर दें जहाँ से आसानी से आपको मिल जाए और आपको किसी किस्म की परेशानी जो है तो ना देखनी पड़े। आई होप कि आपको मेरी ये सारी टिप्स बहुत पसंद आई होंगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।